नैब की तीन रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ से बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब में पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाने का क्या मकसद था? नैब के सवालात, शहबाज शरीफ के कंपनियों और आशियाने से मुतल्लिक जवाबात। तफसीलात जानने के लिए रुख करते हैं, राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल सैयद, बताइएगा, नैब की तीन रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ से बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। जिस क्रम में नैपी गणित से अब आशाने वाले स्कैंडल में जो साबित जिला पंजाब के शहबाज से उनसे तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, तो कुछ सवालनामा था जो उन्होंने नैपी टीम ने बनाया था, उस हवाले से जो तहकीकात की जा रही है। राय का कहना यह है कि जब नैपी तहकीकाती टीम ने शहबाज से पंजाब में पब्लिक नैप की तीन रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ से बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब में पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाने का क्या मकसद था? ये सवालात किए गए नैप की टीम की जानिब से। शहबाज शरीफ के कंपनियों और आशियाना से मुतल्लिक नैब टीम को जवाबात दिए गए। राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, मजीद बताइएगा। क्या कैसे उसमें पूछा गया कि पंजाब में पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाने का क्या मकसद था, नैब टीम ने उनसे पूछा, जबकि पंजाब में पहले ही बहुत से ऐसे महकमे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनियां बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? जबकि जो पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी बनाई गई थी, जिसके तहत आशियाने वर्ल्ड स्टैंडर्ड का मुसबा बनाया गया था, तो वो क्यों बनाया गया? जिससे शहबाज शरीफ का कहना यह था कि उनका कंपनियां बनाने का मकसद यह था कि गुड गवर्नेंस जो है साइन की जाए, जबकि जो पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी जो बनाई गई थी, जिसके तहत आशियाने वर्ल्ड का मुसबा शुरू किया गया था, तो उसका भी बुनियादी मकसद ये था कि गरीब लोगों को जो है ना घर फराम किया जा सकता है सस्ते घर। उन्होंने कहा कि जैसे मुझे आशियाने के बारे में जिस आदमियों का पता चला, तो तमाम कानूनी अफसर साल लाए गए। इस बारे से जो है उनसे ये भी पूछा गया कि कंपनियों का मॉडल सुबह में गुड गवर्नेंस को फ्रोक देने के लिए लाया गया था, तो शहबाज का मौका भी ये था कि उन्होंने ये कंपनियां जो गुड गवर्नेंस के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसमें उन्हें कहा गया कि 56 कंपनियों में तकरीबन 2 खरब 40 जो अरब है उनका जो ऑडिट बेजाबी हुआ, जो इंकशाफ हुआ, तो आपकी किस तरह जो है गुड गवर्नेंस जो है कायम की गई है। इस हवाले से जो है सवालनामा था, जिसमें शहबाज के सवाल किए गए हैं, उन्होंने जो जवाब दिए गए हैं नैपी टीम ने, वो भी नोट कर लिए गए हैं। इसके बारे से तहकीकात का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद जो इससे रिलेटेड जो दीगर मनसूबे थे, जिसमें साफ पानी कंपनी है, पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी है, उसके भी रिलेटेड उनसे सवाल किए गए हैं, और 10 रोज में ये तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी, और उसके बाद मजीद जो अभी है शायद जिसमानी रिमांड उनका मजीद इस्तार की जाएगी, अदालत से उनका मजीद जिसमानी रिमांड भी दें, लेकिन काम 10 रोज में तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।